चलिए अब हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। हमने फर्स्ट काइंड पढ़ लिया, अब ये देखते हैं सेकंड काइंड में क्या है बेसिकली। तो यहां देखिए, बेसिकली जब भी अगर सेकंड काइंड की बात कर रहा है तो फंक्शन वो लेके चल रहा है इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटीज की। अभी देखिए मैं समझाता हूं, फंक्शंस ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटीज। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और वन ऑफ माय फेवरेट इंप्रोपर इंटीग्रल। क्लियर है? इस पे हमने टॉर्च जला दी है तुम्हारे दिमाग के लिए। क्लियर है? तो देखिए यहां पे इंप्रोपर इंटीग्रल कैसे करेंगे। उसने बोला है फंक्शंस ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। थोड़ा आइडिया पहले कंटिन्यूटी का देख लेते हैं क्या होता है। कंटिन्यूटी, यहां देखो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है। एक लेमैन के तौर पर समझ लो, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। क्लियर? विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। क्लियर? अगर मैं पेन को लिफ्ट नहीं करूंगा तो हमारी क्या है, कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी। जैसे ये अगर मैं लिफ्ट कर दिया तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, दिस इज द कॉल्ड अ ब्रेक। ये ब्रेक पॉइंट आ गया, यहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब देखो यहां पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो अब हम कैसे करेंगे फंक्शंस ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटीज को देखते हैं अभी यहां पे। दूसरी बात, अभी हमें कुछ चीजें समझनी है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की। आई नो दैट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि यहां पे आप लोग समझ पाओ। यहां देखो, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन हम अराइज करते हैं आपके ब्रेन में। मैं बोलता हूं 0 to 4 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। अब ये बच्चा क्या करेगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर देगा और 0 to 4 रख के ये कर देगा। ये एक कॉमन 99% लोग ऐसा करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। क्या करना है, चेक द, सबसे पहले किसी भी इंटीग्रेशन की हमें चेक करना है लिमिट क्या है। चेक द लिमिट्स अपर एंड लोअर, दोनों लिमिट्स को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, अपर और लोअर को कैसे चेक करने वाले हैं हम लोग। अगर मैं यहां 0 रख रहा हूं बच्चे, तो यहां पे 1/√x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 रखने पे यहां पे तो इनफाइनाइट आ रहा है, और जब 0 रखने पे इनफाइनाइट आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 पे तो फंक्शन ही हमारा क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है यहां पे तो। और जब अनडिफाइंड हो रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं, एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो लॉजिकली हम लोग आज समझने वाले हैं इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से। अब देखते हैं इसको कैसे समझना है। यहां ध्यान से समझिए पूरे प्रोसीजर को, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बाद में। अभी पहले हमने तुम्हारे दिमाग में रख दिया है कि 0 हम नहीं रख सकते। क्यों? अगर हम 0 रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्लियर है? देखिए यहां अगर मैं बोलता हूं आपको i 0 to π/2 tan x dx, अब बच्चे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। और हमने कुछ चेक ही नहीं किया, तो भैया मैच्योरिटी कब लाओगे आप लोग, तो मैच्योरिटी लाना है। देखो मैथ्स में कैसे, अगर मैं पाई बाई टू रख रहा हूं तो 10π/2, और 10π/2 क्या है, इंफिनिटी। इसका मतलब यहां पे भी क्या आ गया, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। मतलब फंक्शंस क्या हो रहे हैं यहां पे, अनडिफाइंड हो रहे हैं। तो अब डिस्कंटिन्यूटी आ गई है, तो हम कैसे सॉल्व करें। अब इन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इनका क्या फंडामेंटल्स होगा, तो हम अभी आपको फंडामेंटल बताते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जिस तरह के क्वेश्चंस को हमने फेस किया, जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हमें टारगेट करना है, क्या नहीं करना है, वो चीजें और देख लेते हैं। यहां देखो सबसे पहले मैं एक इंटीग्रेशन लेता हूं ए से बी, ये क्या आ गया, f(x) dx। तो यहां देखो अब दो कंडीशन बन सकती है। यहां देखो पहले बहुत सीधी बात, नो बकवास में समझना है मैं। देखो यहां पे क्या कि f(x) dx क्या बन सकता है ए टू बी में, या तो x इक्वल ए पे हो सकता है इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी में पहुंच जाएगा अनडिफाइंड फॉर्म में। दूसरा क्या हो सकता है, x इक्वल बी पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर है? तो ये हमारी कौन सी लिमिट है, अपर, और ये कौन सी लिमिट है, लोअर। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो
तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन है, ये ए है और ये बी है, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हें समझाने के लिए, स्ट्रेट लाइन कर में दिक्कत आएगी। ए टू बी, राइट, ये ए है और ये बी है, क्लियर है। तो यहां मान लीजिए आप यहां पे खड़े हुए हो इस पॉइंट पे, तो आप क्या कहां कहां जा सकते हो अपने नेबरहुड के। तो अगर मान लो मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं, पहले ये देख लीजिए, ए पॉइंट पे खड़ा हूं तो आइदर नेबरहुड यहां जा सकता हूं, तो ये राइट हो गया मान लेते हैं, और यहां जा सकता हूं ये लेफ्ट हो गया। हमारे पास किसी भी नंबर लाइन में दो ही तरफ जाने के तरीके हैं, या तो राइट और लेफ्ट। अगर मैं राइट जाऊंगा तो क्या होगा, पॉइंट बढ़ेगा मतलब ए प्लस एच में जाएगा, और लेफ्ट जाऊंगा तो ए माइनस एच में जाएगा, इतना बात क्लियर है। इसीलिए राइट में जाने पे ए प्लस एच और लेफ्ट में जाने पे ए माइनस एच। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h। आई थिंक ये चीजें तो पता ही होना चाहिए, बेसिक चीजें, नहीं है पता तो यहां पे मैंने समराइज भी कर दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 12th में पढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f a माइनस h, और राइट हैंड क्या होती है, f a प्लस h। अब यहां देखो कैसे समझेंगे, अब यहां पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब मान लो इस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी है, एट पॉइंट एक्स इक्वल ए इज इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, इतना बात क्लियर है। जब एक्स इक्वल ए पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी आ रही है तो हमें कैसे करना होगा, देखते हैं यहां पे, एक्स इक्वल ए पे तो ए पॉइंट पे गड़बड़ी आ रही है, और ए से बी के बीच में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्लियर है इतना बात, कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो ए पे गड़बड़ है, ए पे, अगर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम आ रही है। जब लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है। तो जब मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो यहां क्या होगा, ए प्लस एच। तो हमेशा ध्यान रखना है लोअर के लिए क्या लगाना है, ए प्लस एच। तो यहां लोअर लिमिट के लिए हमेशा ध्यान रखना है क्या लगाना है, ए प्लस एच, क्लियर है। अब मैं अगर मान लो इस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी आ रही है, एक्स इक्वल बी, क्लियर, ये हमारा इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तब क्या करेंगे हम, देखो यहां पर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, ये क्या है, अपर लिमिट। तो हमने क्या किया, एक कदम पहले आ गए, तो ये क्या हो गया, b माइनस एच, तो ये हमारी कौन सी लिमिट हो गई, लेफ्ट, और ये कौन सी लिमिट हो गई, राइट। तो ध्यान रखना है कि हम अगर b पॉइंट पे गड़बड़ी आएगी तो एक कदम पहले आ जाएंगे, वहां तक का एरिया ले लेंगे, और अगर a पॉइंट पे गड़बड़ी आएगी तो एक कदम आगे चले जाएंगे, ए प्लस एच, इतना बात क्लियर है। मुझे ये पता चल गया, हमारे पास ऐसा समझ लो ये दो पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, अगर मेरे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो मैं एक कदम आगे आ जाऊं, क्लियर है। इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, एक्स इक्वल किस पे, आपका ए पे, तो मैं एक कदम आगे आ जाऊंगा, ए प्लस एच। और अगर बी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो बी से आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारा इंटरवल डिफाइंड है, तो मैं एक कदम पहले आ जाऊंगा, बी माइनस एच। अब ये फंडा समझ में आया, अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, अभी हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो अब देखिए यहां पे a टू b f x d x, अब क्या करना है, यहां देखिए मैं यहां लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, यहां देखिए, इफ x इक्वल b इज इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, हमको पता है कि b पॉइंट पे गड़बड़ी है, वहां पे फंक्शन क्या होने वाला है, अनस्टेबल होने वाला है, या अनस्टेबल क्या सकते हैं, अनडिफाइंड होने वाला है, ये ए है ये बी है, तो एक कदम हम क्या आ जाएं, पीछे आ जाएं, तो क्या हो गया, बी माइनस एच। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे, तो हमने कर दिया लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, ए से लेके बी माइनस एच और एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है? जब भी ध्यान रखना है, जब भी प्रॉब्लम बी पे आएगी हमेशा क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर है? अब देखते हैं एक्स इक्वल बी पे क्या होने वाला है। इफ एक्स इक्वल ए, ये इसकी भी क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, तो क्या बनने वाला है, ये अगर ए है, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि इस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्या है, कि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, तो मैं एक कदम कहां चला जाता हूं, आगे चला जाता हूं ए प्लस एच। जब मैं ए प्लस एच चला गया, अब क्या करूंगा मैं, यहां देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या आएगा यहां पे, ए प्लस एच से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। बस इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हैं तो बेसिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देखिए यहां पे और एक ध्यान से इस चीज को, ये भी क्या करेगा, यहां देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स दो तरह की कंडीशन शो कर रहा है, एक है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जब हम किस पे ले रहे हैं एक्स इक्वल बी, और एक ले रहा है एक्स इक्वल ए। तो यहां पे मैं थोड़ा समराइज करूंगा, ए से लेके बी माइनस एच एफ एक्स डी एक्स, अगर ये फाइनाइट नंबर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा इंटीग्रल इसका, और अगर ये इनफाइनाइट नंबर दिया तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा इसका, क्लियर है? दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए प्लस एच से लेके बी, ये क्या हो गया एफ एक्स डी एक्स, ये भी दो कंडीशन शो करेगा, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो यहां क्या आ गया, कन्वर्जेंट, और यहां क्या आ गया, डाइवर्जेंट, क्लियर है? द फिनिश द टॉपिक कि अगर इस तरह के इंटीग्रल हमने इनप्रॉपर फर्स्ट काइंड आएगा तो उसमें इंटरवल इनफाइनाइट होगा, और यहां पे या तो ए पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी या बी पॉइंट पे होगा, तो वो फंक्शन में आप वैल्यू रखोगे उससे पता चल जाएगा कि फंक्शन कहां पे डिफाइंड है या कहां पे डिफाइंड नहीं है। तो इजीली हम लगा लेंगे, अगर बी पे दिक्कत है तो बी से एक कदम पीछे आ जाएंगे, अगर ए पे प्रॉब्लम है तो ए से एक कदम आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी नंबर लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। दैट्स ऑल।